Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about कि क्या जो B.Tech Biotechnology students हमारे होते हैं, क्या वो drug inspector बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? इस पे आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की पिछले कई दिन से या जो हमारे B.Tech in Biotechnology students हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि क्या हम लोग B.Tech Biotechnology कोर्स करने के बाद में ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं वो वहां पे बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि B.Tech in Biotechnology स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। तो ये आप लोग जो हैं गलत फहमी अपने माइंड से वहां पे आप लोग निकाल दें कि आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे बन सकते हैं। आप लोग जो हैं सिर्फ फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप लोग फूड इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं अगर आप लोगों ने अपना B.Tech in Biotechnology कोर्स किया है। अब फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं उनके बारे में हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर अपना ग्रेजुएशन जो डिग्री है अगर वो आप लोगों ने मेडिसिन में किया है, सो यू आर एलिजिबल फॉर बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो फार्मेसी में किया है तब भी आप लोग वहां पे एलिजिबल हैं। और अगर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन जो डिग्री है अगर वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किया है तब भी आप लोग वहां पे एलिजिबल हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर अपना ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में किया है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपना पीजी डिग्री, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आप लोगों ने जो है इन केमिस्ट्री विद फार्मास्यूटिक्स में आप लोगों ने किया है, तो आप लोग वहां पे एलिजिबल हैं। यू आर एलिजिबल फॉर बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। सो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। या फिर आप लोग अपने जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं, आप लोगों के जो डाउट हैं, जो क्वेरीज हैं, आप लोग मेरे साथ में क्लियर कर सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और आप लोग चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज पे आप लोग वहां पे मेरे साथ अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने थॉट्स आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की जो क्वेरी थी उसका आंसर आप लोगों को वहां पे मिल गया होगा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं चिकीज बायोलॉजी चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।